हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज जनरल स्टडी 926। नाउ स्टूडेंट, आप सबके सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं की फीचर्स ऑफ बजट 2024 और 2025। ये जो है बजट, एक्चुअल में इधर से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं करंट अफेयर्स में। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है इसके फीचर्स। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं उसके बारे में मैं लेके आया हूँ। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए वीडियो और लेके आऊँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। आप देख रहे हैं विकसित भारत बाय 2047, मतलब भारत को विकसित बनाना 2047 का लक्ष्य रखा हुआ है इन्होंने। तो विजन, इन हार्मोनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबके लिए अच्छे से एक अपॉर्चुनिटीज करनी। तो इसका जो डेवलप्ड मंत्रास है ये आ सकता है कि डेवलप्ड मंत्रा क्या है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो ये जो पहले है, सबका साथ सबका विकास, कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल, मतलब सबका डेवलपमेंट, इसमें ना कोई जाति का होगा ना कोई किसी चीज़ का, इसके सब सबका साथ होगा और सबका विकास होगा। जैसे मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर, इस नाम से बनाया है, आप सर्च कर सकते हैं। तो अब क्या है दूसरा, क्या है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी बैक्ड बाय सबका प्रयास, मतलब डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, मतलब डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपका इंडिया डेवलप्ड कैसे करेगा, हर एक तरीके से, हर एक जगह से, हर एक एंगल से, सबसे, ठीक है, गांव से लेके विलेज तक, गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके स्टेट तक, स्टेट से लेके यूनियन टेरिटरी तक। आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया का मैप बना हुआ है। तो अब क्या है, पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये है सब्सटेंटिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल डिजिटल एंड सोशल, मतलब सबका डेवलपमेंट कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल से, जैसे रोड वगैरह, ठीक है, और डिजिटल, जैसे डिजिटल इंडिया मेकअप जो उन्होंने किया था, एक स्टार्ट किया था ऑनलाइन पेमेंट। तो सोशल मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग, और दूसरा सोशल में दूसरा भी हो सकता है, सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, जैसे आपके जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, इंस्टाग्राम हो गया वगैरह, इसके अकॉर्डिंग जैसे पैसे वगैरह होता है। तो अब दूसरा देखते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, प्रमोटेड फॉर्मलाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूसिव, मतलब डिजिटल से जैसे पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, उसके बारे में शो करना सब कुछ, ठीक है। तो ये है, उसके बाद दूसरा क्या है, डीपिंग एंड वाइडिंग ऑफ टैक्स बेस बाय GST, मतलब जो इक्वल टैक्स वगैरह जो है, और फैलाना, डीप मीनिंग मतलब आपका जैसे कि एक टैक्स जैसे है सब, मतलब GST ऑल जगह, मतलब कि हर जगह GST ही लगा है, ठीक है, इंडिया में,
तो ये कब लगा था इसके बारे में, जीएसटी के लिए जो है वो न्यू मैं एक लेके आऊँगा, तो इसमें अब ज़्यादा बात नहीं करते जीएसटी के रिलेटेड, आगे देखते हैं, इसकी फाइल बहुत लंबी है ये। अब दूसरा क्या, स्ट्रेंथन फाइनेंशियल सेक्टर, ब्रॉड सेविंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैक ऑन ट्रैक, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में भी मतलब कि सुधार करना, सेविंग्स कैसे करने, क्रेडिट वगैरह कैसे करने, लोन वगैरह, उधार वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह, जैसे आपके फंड वगैरह होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इसके बारे में सारा कुछ उसको एक रास्ते में लेके जाना, ठीक है। गिफ्ट, GIFT, IFSC, ए रोबस्ट गेटवे फॉर ग्लोबल कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द इकोनॉमी, मतलब एक ऐसा रास्ता जिससे हम ग्लोबली अपने कैपिटल्स को सुधार सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल वगैरह सब कुछ, प्रोटेक्टिव प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, कि इन्फ्लेमेशन जैसे हो रही है, इन्फ्लेशन जैसे हो रही है उनको सुधारना, ठीक है, उसको सही तरह लाना, ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री बिकमिंग एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब हर एक जगह से हर एक पार्ट जो है वो इंडिया का वो इकोनॉमी के लिए एक्टिव हो, मतलब पार्टिसिपेट ले, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो इंडिया एंड वर्ल्ड डॉलर GDP के अकॉर्डिंग जो ब्राउन कलर की है वो इंडिया की है और दूसरी जो है वर्ल्ड की है। ये GDP क्या है, ग्रोथ रेट, ये आ नहीं सकता, फिर भी चलो आप देख लो। आप फोकस एरिया क्या है, गरीब कल्याण, देश का कल्याण, मतलब कि गरीबों का कल्याण करोगे तो देश का भी कल्याण होगा, ठीक है। तो इसके बारे में सारा कुछ, TBT हैज लेड टू सेविंग ऑफ रुपीज 2.7 लाख करोड़, 25 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, क्रेडिट असिस्टेंस टू 78 लाख स्ट्रीट्स वेंडर्स अंडर PM SVA निधि। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 78 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स थे वो आए हैं इसमें, ठीक है, उन्होंने लोन वगैरह लिया है, क्रेडिट लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बार ग्राफ बनाया, डिक्लाइन इन हेड काउंट रेशियो, राइट साइड ही बनाया है इसके साथ, देखना पहले हाई था अब लो है, अब लो है। एम्पावरिंग द यूथ, यूथ को कैसे बनाना है, सबसे पहले जॉब्स निकालो फिर बिजनेस आइडिया। 1.4 करोड़ यूथ ट्रेंड अंडर स्किल इंडिया मिशन, मतलब 1.4 करोड़ जो है वो मिशन के तहत उसको ट्रेन किया गया है। ये आपसे पूछ सकते हैं हाउ मच या हाउ मैनी यूथ आर ट्रेंड अंडर स्किल इंडिया मिशन, कितना है 1.4 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो इसके बारे में है, फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशंस ऑफ यूथ, 43 करोड़ लोन सेक्शंस अंडर PM मुद्रा योजना, कितने 43 करोड़ जो लोन्स हैं वो सेंक्शन किए गए हैं PM मुद्रा योजना के तहत। यहाँ पे क्या है कि आपका बिजनेस कैसे करें, स्किल जो है उनके तहत जो भी यूथ है वो बिजनेस कैसे करें, उसके आइडियाज़ के तहत इन्होंने क्या किया है, लोन दिया गया है, कितने हैं 43 करोड़ लोन्स सेंक्शंस किए गए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, IIT आपको दिए हुए 2014 के तहत, एम्स देख लो, तो अब यूनिवर्सिटीज़ भी है,
फोकस एरिया कौन सा है? वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, अन्नदाता, ठीक है। डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 11.8 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान योजना, ये जो बता रहे हैं आपको इतने करोड़ जो है आपके लोन सेंक्शन किया गया है, इतना ये चीज़ें, ये सब कुछ आ सकते हैं, पेपर में पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स के हाउ मैनी या हाउ मच कितने जो फार्मर्स हैं वो आए हैं पीएम किसान के तहत, ठीक है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है, कितने हैं, 11.8 करोड़, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस भी मिला है, कितना, 4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम फसल बीमा योजना। इंटीग्रेशन 1361 मंडीज अंडर ई नाम, स्पोर्टिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ रुपीज 3 लाख करोड़, ये सब कुछ आ सकता है आपका। ये सिर्फ ये कि जो बार का ग्राफ है ये भी आप देख सकते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ कितना नहीं डिक्रीज हुआ, क्या है चीज़ें, सब कुछ है, लेकिन ये जो वार ग्राफ वगैरह है ये तो चांसेस नहीं है, फिर भी ये आप देख लो। जैसे यहाँ पे क्या है, 11.8 करोड़ वगैरह है, 4 करोड़ हो गया या 3 लाख करोड़ हो गया, ये जो चीज़ें हैं ये आ सकते हैं, पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो अब दूसरा मूव ऑन करते हैं, नारी शक्ति कितने हैं इसमें, 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स डिसबर्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कि वुमेन को, लड़कियों को दिया गया है, लेडीज वगैरह उनको दिया गया है इतने लोन, किसके, मुद्रा योजना लोन के तहत इतना दिया गया है, आप देख सकते हो। इंक्रीज फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन बाय 28% इन 10 ईयर्स, इतने परसेंट इंक्रीज हुआ है, ये भी पूछ सकते हैं आपको कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 10 ईयर में कितने परसेंट हुआ है, 28% हुआ है वुमेन की एजुकेशन, हायर एजुकेशन में, ठीक है। तो 43% ऑफ फीमेल इनरोलमेंट इन स्टेम कोर्सेज, जो स्टेम कोर्सेज है उसमें कितने परसेंट आए हैं, 43% ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। 1 करोड़ वुमेन असिस्टेड बाय 83 लाख SHGS टू बिकम लखपति दीदीज, मतलब लखपतीज बने हैं इतने करोड़ वुमेन जिन्हों के अपने खुद के पैसे हैं, ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, ये आप देख सकते हो इतना इंक्रीज बढ़ा है, 37.0% राइज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इतने बड़ी है, इंक्रीज हुई है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपके बारे में, क्योंकि अभी नया रूल निकला था नारी के लिए, एक वो उनको भी एक आरक्षण दिया गया है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं वो लेके आऊँगा वीडियोस। तो अब इस देखते हैं, दूसरा है स्ट्रेटेजी फॉर अमृतकाल, इसके अमृतकाल के जो स्ट्रेटेजी है वो सब कुछ बताया है। कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो बाय 2070, इसके तहत ये सारा कुछ कमिटमेंट किया गया है, आप देख सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। न्यू स्कीम ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फंड्री टू बी लॉन्च टू सपोर्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स, सोलर पैनल के बारे में पूछ सकते हैं कितना है क्या नहीं, ठीक है। 1 करोड़ हाउस होल्ड विल बी इनेबल्ड टू ऑब्टेन अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, इसके अकॉर्डिंग मतलब इन्होंने इतने लिए गए हैं, आप देख सकते हो ये ज़्यादा हो जाएगी लंबी, तो इसलिए मैं बोल रहा नहीं हूँ, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अकॉर्डिंग मैं जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ में बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आ सकता है आपका, ठीक है। तो अब क्या है, स्ट्रेटजी फॉर अमृतकाल 2x5,
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के तहत 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स अंडर पीएम गति शक्ति टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक्स इन एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। इसके तहत 3 मेजर जो रेलवे है कॉरिडोर वो बनाए गए हैं, ठीक है। प्रमोशन ऑफ बनाने हैं, ठीक है। प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज टू बी नेगोशिएटेड, मतलब फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स एंड कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ न्यू एयरपोर्ट्स अंडर उड़ान स्कीम के तहत ने जो बनाए जाएंगे एयरपोर्ट और बनाए भी हैं, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाया मेट्रो रेल एंड नमो भारत, इसके तहत जो रेलवे वगैरह बनाया गया है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि उड़ान स्कीम किसको प्रमोट करती है, इसके तहत क्या हो सकता है। तो वहाँ पे आपको दिए जाएंगे एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सॉरी एयरपोर्ट रेलवे या वाटरवेज वगैरह ये पूछ सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, उड़ान स्कीम जो है वो किसके तहत है, एयरपोर्ट के तहत है, ये याद रखना है, ठीक है। और पीएम गति शक्ति टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, ये इसके तहत भी जो है ये बनाया गया है। 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर, आपसे पूछ सकते हैं कि जो 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर है प्रोग्राम्स वो किसके अंडर आ रहे हैं, कौन से स्कीम के अंडर आ रहे हैं, वो पीएम गति शक्ति टू इसके तहत आ रहे हैं, ठीक है, पीएम गति। अब ये इसके बारे में पूरा दिया गया है, बार ग्राफ आप देख सकते हैं। अब स्ट्रेटजी फॉर अमृत काल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जीरो % ऑफ वुमेन रजिस्टर्ड फॉर एंटी नेटल केयर विद इन फर्स्ट ट्रेमेस्टर, इतने जो है इंक्रीज हुए हैं, इतने इंक्रीज हुए हैं, ये नहीं आपसे पूछ सकते इसके तहत नहीं, ये नीचे पूछ सकते हैं। इंकरेज सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स, उसके तहत कितने 9 से 14 ईयर्स के तहत उनको इंजेक्शन दिया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 टू बी एक्सपेडिक्टेड फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन डिलीवरी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, यू विन प्लेटफॉर्म फॉर इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स ऑफ मिशन इंद्रधनुष to be rolled out, health covered with under Ayushman Bharat scheme to be extended to all Asha Anganwari workers and helpers, इसके तहत ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। स्कीम आयुष्मान स्कीम कैसी है, इसके अंडर किसके अंडर आती है, ये हेल्थ के अंडर आती है ये चीजें, ठीक है। और यहाँ पे प्रधान ये हाउसिंग के लिए है, ये पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने किए गए हैं, कितने हैं, क्लोज टू अचीविंग टारगेट ऑफ 3 crore हाउसेज, एडिशनल 2 crore टारगेट फॉर नेक्स्ट 5 years, मतलब नेक्स्ट जो 5 ईयर है उसके लिए 2 crore के टारगेट है, और ऐसे 3 crore तक आवास योजना के तहत मतलब कि आ गया हुआ है, ठीक है। हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम टू बी लॉन्च टू प्रमोट मिडिल क्लास टू बाय बिल्ड देयर ऑन हाउस, मिडिल क्लास के लिए भी मतलब इन्होंने बनाया है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम जो है मिडिल क्लास ही पाए जाते हैं, कहीं जो होंगे वो पुअर होंगे, कई जो है वो रिच होंगे, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू रिच क्लास के तहत, ठीक है। तो अब टूरिज़्म वगैरह है, इसके भी आप देख सकते हो।
हाँ, ये G20 मिशन जो हुए थे, G20 मीटिंग इन 60 प्लेसेस में हुई थी, ठीक है? कितने प्लेसेस में? 60 प्लेसेस में, याद रखना। और प्रोजेक्ट फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमेनिटीज विल बी टेकन अप इन आइलैंड इंक्लूड लक्षद्वीप। प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुए थे वो लक्षद्वीप जो आइलैंड है हमारे, उसके तहत मतलब उधर हुए थे G20 में, इसमें सब कुछ ठीक है। अब एग्रीकल्चर और फूड के प्रोसेसिंग के तहत ये बहुत लंबा चले जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान स्ट्रेटेजी टू बी फॉर्मुलेटेड टू अचीव आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल सीड्स, मतलब ऑयल सीड्स के लिए आत्मनिर्भरता जो है वो स्कीम खोली गई है। ये सारे स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह है, आप देख सकते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं ऑयल सीड कहाँ पे, एग्रीकल्चर में है, किस में है, ये चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल सीड्स के बारे में, कंप्रहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट टू बी फॉर्मुलेटेड, मतलब कि जो प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च किए गए डेयरी के तहत, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये आपसे पूछ सकते हैं किसके तहत है, ये फिशरी के में है, ठीक है। ये जो प्रोग्राम्स वगैरह है ये आपसे पूछ सकते हैं कौन से कहाँ पे लागू की गई है, कहाँ पे है, क्या नहीं, ये लागू अभी होंगी, अभी स्टार्ट होंगी, ठीक है। ये बजट है 2024 से लेकर 2025 का बीच में बजट है, ये अभी लागू हुई नहीं है, फिर भी चलो देख लो आप कि ये इसके तहत कौन सी आ रही है, क्या है, क्या नहीं, ठीक है। तो ये बार ग्राफ है, आप देख सकते हैं बार ग्राफ, आराम आराम से देख ले, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वगैरह ये मैं लेके आऊंगा। अब टैक्सेशन रिफॉर्म्स के बारे में, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मोर देन ट्रबल्ड इन लास्ट 10 ईयर्स, बहुत ज्यादा हुए, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स मतलब GST वगैरह हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स वर्ल्ड टू 2.4 टाइम्स इंक्रीज हुए है, ठीक है। फास्टर रिफंड भी हुए है, देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये बेनिफिट टू कंज्यूमर के बारे में है, रिडक्शन इन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, डिक्लाइन इन इंपोर्ट रिलाइज टाइम सिंस 2019 बाय, कितना कितना डिक्लाइन हुआ है, 47% जो है एट इनलैंड कंटेनर पोर्ट्स के तहत, इसमें 28% एट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस में, 27% एट सी पोर्ट में हुए हैं डिक्लाइन वगैरह, GST रेट वगैरह, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्स वंस ऑफ स्टेट रेवेन्यू फ्रॉम 0.72 से लेके इतना इंक्रीज हुआ है, या आपसे पूछ सकते हैं स्टेट के अंदर, ठीक है। एवरेज कलेक्शन के कितनी हुई है, ठीक है। 1.66 लाख करोड़ इन FY24 में हुई है एवरेज मंथली ग्रॉस GST कलेक्शन, कॉन्टिन्यूटी इन टैक्सेशन, सर्टेन टैक्स बेनिफिट टू स्टार्ट अप्स एंड इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय सोवियन वेल्थ फंड्स पेंशन फंड्स टैक्स
exemptions of some IFSC units earlier expiring on, इतने में एक्सपायर हो सकते हैं, ठीक है. विड्रॉल टू आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड. यहाँ पे है जो नो टैक्स लाइबिलिटी फॉर टैक्स पेयर्स विद इनकम अप टू 7 लाख अंडर द न्यू टैक्स रेजिम के तहत जो टैक्स जो लाइबिलिटीज है उसमें नहीं पड़ेंगे उनको, जिनकी तनख्वाह है 7 लाख के अंडर, ठीक है, 7 लाख, ठीक है, 7 लाख तक जिनके भी मतलब कि वो है इनकम, उनमें कोई लाइबिलिटीज नहीं होंगी, ठीक है. आप देख सकते हैं रुपी कम फ्रॉम यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, देख सकते हैं कॉरपोरेशन टैक्स, देख सकते हैं जीएसटी. ये आपके पूछ सकते हैं कितने परसेंट है कितने परसेंट नहीं है, ठीक है, ये चीजें पूछ सकते हैं आपसे. इनकम टैक्स कितना है, 19% है. नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कितनी है, 7%. नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट्स कितनी है, 1%. कस्टम्स कितनी है, 4% है. जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 18% है, ठीक है. अब ये दूसरा पूछ देख सकते हैं, रुपीस गोज टू इतने इतने गया है, ठीक है. डिफेंस में, सब्सिडीज में, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स में, इंटरेस्ट पेमेंट में, पेंशन में, अदर एक्सपेंडिचर्स में, स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, ठीक है. एलोकेशंस ऑफ फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कितना है, 6.2 है. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में 2.78 है. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में 2.55 है. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 2.13 है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 2.03 लाख करोड़ है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर 2.03 लाख करोड़. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.77 लाख करोड़. मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 1.68. Ministry of Communications 1.37. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare 1.27. महात्मा गांधी नेशनल, अभी ये आ सकती स्कीम्स जो इन करोड़ में हुए. महाराष्ट्र महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके तहत इतने बंदे थे अब इतने हो गए हैं, ठीक है, इतना मतलब कि लग चुका है. इसमें भी आप देख सकते हो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के तहत इतने पैसे खर्च हो चुके हैं, इतने आयुष्मान भारत PMJAY में, ठीक है. Modified programs for development of semiconductors and display manufacturing ecosystem, इसमें भी देख सकते हैं आप, increase हुआ है, इतना increase होगा अब, ठीक है. 2023 का दिया हुआ है और 2024 से 2025 तक इतना मतलब increase करेंगे अभी. Solar power का भी आप देख सकते हैं. Receipts and expenditures आप देख सकते हैं. जो एक्सपेंडिचर हुए हैं रेवेन्यूज जो उसके तहत आप देख सकते हैं, ठीक है. ये आपसे पूछेंगे नहीं क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी चलो. इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ. आज बहुत लंबी हो गई है, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इसके बजट के अकॉर्डिंग ये मैंने आपको दे दी है. जिसने भी लेनी होगी स्क्रीनशॉट लेके कर सकता है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकता है. मैंने इसलिए ही थोड़ी थोड़ा आस्ता आस्ता कर रहा था जिससे कि आपको
कोई मुश्किल ना आए। तो न्यू लेक्चर के लिए इसी पे मैं MCQs लेके आऊँगा बजट पे। तो ये थोड़े बहुत जो इसके बजट का था, इसके बारे में मैंने मेन पॉइंट्स वगैरह बताए हैं आपको PDF के तहत। बजट की फीचर्स बताए हैं मैंने आपको। अब इसके अकॉर्डिंग जो MCQs बनेंगे, जो भी चीज़ें होंगे वो मैं लेके आऊँगा। उस वीडियो, उस लेक्चर के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें। जितना मोर सब्सक्राइब करेंगे उतना मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट शेयर भी करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।